चलिए, आप सभी का स्वागत है इस आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं फिल्टर्स सर्किट के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि फिल्टर क्या होता है, ठीक है। कल मैंने फिल्टर्स के बारे में आपको बताया था। फिल्टर जो है, जैसे मान लीजिए हमारा जो रेक्टिफायर सर्किट में उद्देश्य होता है डीसी बनाना, ठीक है। तो फिल्टर सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जो एसी में से इस डीसी को अलग कर देता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फिल्टर सर्किट। तो यह जो है फिल्टर के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब देखिए, आपको कोई भी फिल्टर अगर समझना है, ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का फिल्टर सर्किट यदि आपको समझना है, तो फिल्टर सर्किट को सबसे अच्छा फिल्टर सर्किट को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो फिल्टर जिन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे कि किस किस से मिलकर के बना होता है फिल्टर, हम कैपेसिटर से बना सकते हैं, है ना, कैपेसिटर से बना सकते हैं। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वह होता है इंडक्टर, है ना। इस इंडक्टर से मिलकर के हम कंपोनेंट जो फिल्टर है वह बना सकते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर या जिसे हम संधारित्र कहते हैं, हिंदी में संधारित्र कहा जाता है इससे, और इंडक्टर जिसे प्रेरकत्व भी कहा जाता है, प्रेरकत्व कह देते हैं, या जो चोक होता है वह, इसके विभिन्न नाम है। ये दोनों कंपोनेंट से हम, इन दोनों कंपोनेंट्स की सहायता से हम फिल्टर सर्किट बना सकते हैं। तो इन दोनों की कार्यप्रणाली समझने के लिए आप केवल इतना ध्यान रखिए, इतना समझने की कोशिश कीजिए कि जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर की प्रतिबाधा एसी सर्किट पे या एसी कंपोनेंट के लिए इसकी जो प्रतिबाधा होती है एक्स सी, उसका ये फार्मूला आप लोग याद रख लीजिए, 1/2πfc। ये फार्मूला याद रख करके आप इसे यहाँ से हमसे समझ सकते हैं कि किस तरह से ये एसी के लिए और डीसी के लिए किस तरह व्यवहार करेगा। जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी आप लोग याद रख सकते हैं कि एसी की कुछ निश्चित फ्रिक्वेंसी होगी, एक्स वाई जेड करके कुछ भी इसकी निश्चित फ्रिक्वेंसी होगी। वहीं जो डीसी होती है, डीसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है वह जीरो होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप मान इसमें रख करके, और जो प्रतिरोध होता है वह प्रतिरोध ज्ञात करके आप समझ सकते हैं कि संधारित्र किस तरह से जो है एसी को फिल्टर करता है। इसी तरह से इंडक्टर का फार्मूला आप लोग याद रखें कि इंडक्टर में एक्सएल बराबर होता है 2πfL। इस फार्मूले से आप यहाँ पर जो डीसी के लिए फ्रिक्वेंसी का मान जीरो, और यहाँ पर एसी के लिए फ्रिक्वेंसी का कोई भी मान आप लोग मन से रख करके, एक्स वाई जेड जो भी मन से आप लोग रख करके देख लें, तो आप यहाँ पर जो है एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो है एक निश्चित प्रतिरोध होता है एसी के लिए, जो एक्सेल होता है इसका एक निश्चित मान आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये दो फार्मूले जो हैं, इन दो फार्मूलों को याद रखते हुए, ये जो दो फार्मूले हैं, केवल इन दो फार्मूलों को आप लोग याद कर लें तो आप फिल्टर की कार्यविधि समझ सकते हैं। क्योंकि फिल्टर सर्किट बनाने के लिए मुख्य रूप से कैपेसिटर और इंडक्टर का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जब भी हम लोग रजिस्टर का प्रयोग करेंगे, तो रजिस्टर का प्रयोग केवल जो बची हुई अतिरिक्त धारा होती है, मान लीजिए यहाँ पर जैसे कैपेसिटर और इंडक्टर लगा करके यदि हमने ये कोई फिल्टर बनाया है, तो यहाँ जो अतिरिक्त धारा आती है, यहाँ हम इस पर बाहर यहाँ पर लोड लगाते हैं, तो यहाँ जो अतिरिक्त धारा हमें अवेलेबल होगी, कुछ धारा तो लोड इस्तेमाल कर लेगा, इसके बाद जो अतिरिक्त धारा होती है उसे बायपास करने के लिए हम इस रजिस्टर का यूज करते हैं। तो इस तरह के रजिस्टर को हम लोग ब्लीडर रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि जो रजिस्टर है, रजिस्टर का यूज हम लोग केवल ब्लीडर के रूप में करते हैं, ब्लीडर के रूप में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये फिल्टर के दो कंपोनेंट्स के बारे में आप लोग ध्यान रखें। चलिए, अब मैं यहाँ पर फिल्टर्स का वर्गीकरण करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए, फिल्टर कितना भी बड़ा हो, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है केवल इन दो बातों के आधार पर ही आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फिल्टर सर्किट में आप केवल ये एक्सएल और एक्ससी का मान याद रख करके फिल्टर परिपथ की वर्किंग प्रणाली को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फिल्टर के प्रकार होते हैं, फिल्टर के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, आपको फिल्टर के बारे में भी अच्छे से समझना है, तो हमें इसके प्रकार करने पड़ेंगे, इसे क्लासिफाई करना पड़ेगा, वर्गीकरण करना पड़ेगा, और उस वर्गीकरण को करते हुए फिर हम विभिन्न प्रकार के फिल्टर के बारे में पढ़ सकते हैं।
तो देखिए मुख्य रूप से जो फिल्टर होते हैं उनको तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम टोटल तीनों वर्ग जो होते हैं तीनों वर्ग का नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ग में हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम एक एक वर्ग में जो विभिन्न प्रकार के जो फिल्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ऊपर फिल्टर। हम लोग फिल्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, फिल्टर के वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए जो फिल्टर होते हैं फिल्टर को जब आप लोग वर्गीकृत करेंगे तो फिल्टर को हम लोग कितने आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। फिल्टर को हम लोग सबसे पहले जो है इनपुट के आधार पर, इनपुट कंपोनेंट के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट इनपुट अवयव के आधार पर, यानी कि जो फिल्टर सर्किट है उसमें सबसे पहले इंडक्टर लगा हुआ है या कैपेसिटर लगा हुआ है या कुछ और लगा हुआ है, इसके आधार पर हम फिल्टर का वर्गीकरण कर सकते हैं। वहीं दूसरा जो वर्ग होता है फिल्टर का, दूसरा जो वर्गीकरण का आधार होता है वह होता है इसकी इसकी जो कार्य है ना, ये कार्य किस तरह से कर रहा है, यानी कि कौन सी फ्रिक्वेंसी को ये पास कर रहा है, कौन सी फ्रिक्वेंसी को रोक रहा है ना। ये सारी चीजें मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा, तो अभी आप फिलहाल के लिए केवल इतना रखें कि हम कार्य के अनुसार या कार्य के आधार पर भी फिल्टर को वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो वर्ग होगा, तीसरा जो हमारा वर्गीकरण का आधार होगा वह होगा परिपथ डिजाइन के आधार पर। ठीक है, तीसरा जो आधार होता है वह होता है परिपथ डिजाइन, है ना, परिपथ डिजाइन। ये भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी यहाँ पर केवल मैं आपको नोट्स के लिए लिख करके दे रहा हूँ ताकि आप बुक से एक बार में सारा इतना पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप ये जो फ्लो डायग्राम है, फ्लो चार्ट को याद रखेंगे तो आप आसानी से विभिन्न प्रकार के फिल्टर एक ही पेज पर जो है, एक ही पेज पर आप लिख सकते हैं कि कितने प्रकार के फिल्टर होते हैं और उसे आप 5 से 10 मिनट में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर आपको लिख करके बता रहा हूँ। तो पहला होता है इनपुट के अवयव के आधार पे। तो देखिए इनपुट अवयव के आधार पर जो पहला हमारा फिल्टर होता है, पहला प्रकार का जो फिल्टर होता है उसे हम कैपेसिटर इनपुट फिल्टर कह सकते हैं। मतलब यानी कि यदि जो फिल्टर है वो सबसे पहले हमने फिल्टर में सबसे पहले यदि कैपेसिटर लगाया हुआ है इनपुट में, है ना, इनपुट में यदि सबसे पहले यदि कैपेसिटर लगाया है तो वह कैपेसिटर इनपुट फिल्टर कहलाएगा। ठीक है, ये चार प्रकार के होते हैं इनपुट वाले फिल्टर, चारों के मैं यहाँ पर आपको नाम लिख देता हूँ, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो फिल्टर होता है वह होता है श्रेणी इंडक्टर फिल्टर। ठीक है, श्रेणी इंडक्टर फिल्टर। ठीक है, देखिए मैं इसका थोड़ा आपको समझा भी देता हूँ। जैसे जो कैपेसिटर इनपुट फिल्टर होता है तो इसमें जो डायोड से जो करंट आती है उसके बाद सबसे पहला जो कंपोनेंट लगाते हैं हम लोग वो ये कैपेसिटर लगाते हैं। इसमें फिल्टर के अलावा फिल्टर के लिए कुछ भी नहीं होता, यहाँ कैपेसिटर के अलावा फिल्टर के लिए कुछ भी नहीं होता। इसमें सबसे पहले रेक्टिफायर के बाद यहाँ से सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है, सबसे पहला कंपोनेंट ये कैपेसिटर ही होता है। ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट ये कैपेसिटर होता है, इसीलिए हम लोग इसे कैपेसिटर इनपुट फिल्टर कहते हैं, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखें। ठीक है, अब इस तरह का जो फिल्टर होता है, इस तरह के फिल्टर में आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ चूंकि देखिए एक ही कंपोनेंट लगा हुआ है हमारे पास, यहाँ और कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो कैपेसिटर होते हैं वह आकार में काफी छोटे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो फिल्टर होता है वह काफी सस्ता होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं, इस फिल्टर के बारे में। चलिए अब हम लोग जो है इसे थोड़ा सा क्लियर करके और फिर आगे देखते हैं। तो ये कैपेसिटर इनपुट फिल्टर में आप लोग ध्यान रखें कि जिस फिल्टर में सबसे पहला जो पॉइंट होता है, सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है रेक्टिफायर के बाद वह कैपेसिटर होता है, इसलिए हम कैपेसिटर इनपुट फिल्टर उसे नाम देते हैं। इसके बाद देखिए हम श्रेणी इनपुट फिल्टर की बात करते हैं। तो श्रेणी इनपुट फिल्टर में जो इनपुट कंपोनेंट होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ ये डायोड लगा हुआ है, डायोड के बाद जो आउटपुट प्राप्त होती है वह एसी होती, वह पल्सेटिंग डीसी होती है। तो इसे मान लीजिए हमने शुद्ध करने के लिए एक इंडक्टर लगा दिया, चोक लगा दिया
या कोई क्वाइल लगा दी, है ना। तीनों एक ही चीज है, ये तीनों के ही नाम है। चोक भी इसे कभी कभी कहा जाता है, इसे इंडक्टर भी कहा जाता है, तो ये आप लोग नाम से कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इसके बाद यदि हम लोग यहाँ पर कोई लोड लगाते हैं, तो इस तरह का जो फिल्टर है, ये चोक लगा करके जो फिल्टर बनाया गया है, ठीक है, तो इस तरह के फिल्टर को हम लोग चोक इनपुट फिल्टर कहते हैं। यहाँ आप लोग देखें कि ये जो रेक्टिफायर सर्किट है, इसके पीछे का यहाँ पे पूरा सर्किट रेक्टिफायर सर्किट कहलाता है, और इसके बाद का जो सर्किट है यहाँ से चोक तक का, ये फिल्टर कहलाता है। फिल्टर के बाद ये लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट में सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, ये चोक लगा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, चोक इनपुट फिल्टर, है ना। देखिए इसे हमें क्लासिफाई करने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, यदि एक ही कंपोनेंट होता तो क्लासिफाई करने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जो और भी जो प्रेसियस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या जिनमें आपको बहुत ही ज्यादा शुद्ध एसी की आवश्यक डीसी की आवश्यकता होती है, वहां पर हम चोक के अलावा अन्य फिल्टर भी यूज करते हैं, ठीक है, और कंपोनेंट भी यूज करते हैं, या चोक का ही इस्तेमाल एक से अधिक बार भी किया जा सकता है, ठीक है, या एक से अधिक प्रकार के फिल्टरों का एक साथ श्रेणी में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एसी कंडीशन में जो फिल्टर है उसे आप क्लासिफाई करने के लिए इनपुट में सबसे पहले यदि चोक आ रहा है तो उसे चोक इनपुट फिल्टर कहेंगे, और यदि सबसे पहले कैपेसिटर आ रहा है तो उसे आप कैपेसिटर इनपुट फिल्टर कहेंगे। इसके तो इन कंपोनेंट्स को, इन कंपोनेंट्स में यानी चोक और कैपेसिटर में से जो कंपोनेंट पहले आता है उसके आधार पर भी सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसके नाम के आधार पर इस सर्किट को, फिल्टर सर्किट को वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब दो प्रकार के तो ये कंपोनेंट हो गए, जिसके आधार पर हमने आपको यहाँ पर चोक को वर्गीकृत करके बता दिया। अब अन्य प्रकार जो है, जो थर्ड प्रकार का जो कंपोनेंट है, इसे हम लोग वर्गीकृत कर देते हैं, है ना। इसे हम एक अन्य प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, चोक इनपुट एलसी सर्किट, ठीक है। सब नाम, पूरे नामों को मैं आपको क्लियर करते चलूंगा, और ये चार्ट भी आपका कंप्लीट होता जाएगा। चोक इनपुट एलसी फिल्टर, ठीक है। इसे चोक इनपुट एलसी फिल्टर क्यों कहा है, अभी देखिए इसे थोड़ा क्लियर कर देते हैं। इसे चोक इनपुट एलसी फिल्टर क्यों कहा है, क्योंकि इसमें जो इनपुट कंपोनेंट होता है, इनपुट कंपोनेंट में इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चोक लगाते हैं, है ना। यहाँ पर सबसे पहले चोक लगाएंगे, और चोक के बाद इसमें एक कैपेसिटर लगा देते हैं, है ना। तो इस तरह का जो ये फिल्टर बना हुआ है, इस फिल्टर के बाद में यदि आप यहाँ पर लोड लगाएं तो इस लोड को शुद्ध डीसी प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस तरह का जो लोड हो, इस तरह का जो फिल्टर होता है, ये वाला जो इतना फिल्टर आपको नजर आ रहा है, इस फिल्टर को हम लोग चोक इनपुट एलसी फिल्टर कहते हैं, ठीक है। ये जो है इतना आप लोग याद रखें। फिर इसका चौथा जो सर्किट होता है, चौथा जो फिल्टर होता है, वह होता है पाई फिल्टर, ठीक है। पाई फिल्टर, पाई फिल्टर सर्किट। तो पाई फिल्टर जो होता है, पाई फिल्टर में देखिए क्या होता है कि एल और सी कंपोनेंट इस तरह से हम लोग लगाते हैं, एल और सी कंपोनेंट हम लोग इस तरह से लगाते हैं। चलिए इसे थोड़ा क्लियर कर लें। इसमें हम लोग जैसे मान लीजिए, यदि एक इस तरह का सर्किट बनाते हैं कि सबसे पहले इसमें हम लोग यदि यहाँ पर एक कैपेसिटर का फिल्टर के रूप में इस्तेमाल करें, फिर इसके बाद जो कंपोनेंट्स बचते हैं एसी के, उनको रिड्यूस करने के लिए फिर एक चोक लगा दें, और यदि इसके बाद भी कोई कंपोनेंट यदि बचा हुआ है तो उसके लिए फिर एक कैपेसिटर का आप लोग प्रयोग करें। तो इस तरह का ये जो फिल्टर बनता है, इसके बाद जो लोड है उसको काफी एक शुद्ध डीसी मिलती है। देखिए आप लोग भी जानते हैं कि जितनी ज्यादा आप छन्ने प्रयोग करेंगे, है ना, अगर शुद्ध भाषा में, देसी भाषा में यदि बात की जाए, तो जितने ज्यादा आप छन्नियां लगाएंगे और जितनी ज्यादा बारीक उसका में जो छन्ना प्रयोग करेंगे, फिल्टर प्रयोग करेंगे, उतना ही ज्यादा आउटपुट आपकी शुद्ध होते चली जाती है। लेकिन देखना ये पड़ता है कि जो उसकी सर्किट की कॉस्ट है वो थोड़ी बढ़ते चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से देखें आप लोग कि ये जो सर्किट हमने बना दिया,
यहाँ पर। तो ये जो सर्किट अब बना है, ये देखिए इसकी आकृति आपको एक पाई के समान नजर आएगी, ठीक है। ये एक भुजा है ना, ये वाली एक भुजा, फिर इसका ये वाली भुजा और ये भुजा, ये तीन भुजाएं मिलकर के आपको एक पाई के समान ये आकृति नजर आ रही होगी। यहाँ पर यदि इस तरह से मैं इसे खींचू तो ये देखिए आपको ये पाई नजर आ रहा है ना। तो इस तरह से जो इसमें ये जो सर्किट होता है, इसकी रचना इस तरह से होती है कि इसमें जो विभिन्न चोक और कैपेसिटर हैं, वो एक पाई का निर्माण करते हैं, पाई भुजा बनाते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसे पाई फिल्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखें। तो इस तरह से ये चार प्रकार के फिल्टर आप लोग ध्यान रखें, और इसके मैंने विभिन्न कंपोनेंट आपको लगा करके बता दिए हैं कि किस तरह से ये कंपोनेंट जो है वह लगे हुए होते हैं। और वर्किंग की बात है तो आप इनके सिंगल सिंगल की वर्किंग ध्यान रख करके पूरे फिल्टर का कार्य समझ सकते हैं। अब जैसे देखिए, हम यदि पाई फिल्टर की बात करें तो पाई फिल्टर में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एसी और डीसी दोनों आ रही हैं इस सर्किट में, सॉरी, जैसे ये एसी और डीसी इसमें दोनों आ रही हैं, तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर पहले जितनी एसी है उसको बायपास कर देगा, बायपास करने की कोशिश करेगा। लेकिन देखिए क्या होता है कि कोई भी कैपेसिटर आइडियल कैपेसिटर नहीं होता, ठीक है, आइडियल कोई भी कैपेसिटर नहीं होता, इसीलिए इसमें अभी भी जो आपको डीसी मिल रही है, अभी भी जो डीसी हमको मिलती है, इस डीसी में कुछ ना कुछ एसी अभी भी उपस्थित होती है, ठीक है। तो ये जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर क्या करता है, इस इंडक्टर में से शेष एसी को निकालने की कोशिश करता है, और यहाँ पर एक प्योर डीसी उपस्थित करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन देखिए अभी भी इंडक्टर में भी वही प्रॉब्लम है कि कोई भी इंडक्टर प्योर तरीके से शुद्ध इंडक्टर नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, फिर अगला एक और कैपेसिटर लगाते हैं, अन्य वैल्यू डिफरेंट मान का कैपेसिटर लगाते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो बची हुई डीसी है, जो बची हुई एसी है, उसे वापिस सर्किट से जो है बायपास कर दिया जाए। तो अंत में हम कोशिश करते हैं कि अंत में आपको पूरी की पूरी एक शुद्ध डीसी सीधी लाइन की तरह एक डीसी आपको आउटपुट में मिल जाए। तो इस तरह से देखिए हम लोग पाई फिल्टर का जो वर्गीकरण है, पाई फिल्टर की जो वर्किंग है, वह प्रत्येक कैपेसिटर और इंडक्टर की वर्किंग को समझ के आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सर्किट जो है, अलग अलग प्रकार के सर्किट हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कार्य के अनुसार किस तरह से हम लोग इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। जो फिल्टर सर्किट है, इसे कार्य के आधार पर हम किस तरह से वर्गीकरण करते हैं, ये अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कार्य के अनुसार जब हम वर्गीकरण करते हैं, पहले इसे मैं क्लियर कर लूं, थोड़ा सा इसे ज्यादा हम लोग ये, तो देखिए जब हम लोग कार्य के अनुसार इसे वर्गीकृत करते हैं, तो कार्य के अनुसार वर्गीकरण में जो सबसे पहला वर्गीकरण होता है वो होता है, कार्य के अनुसार सबसे पहला जो वर्गीकरण होता है वह होता है लो पास फिल्टर, ठीक है, लो पास फिल्टर। अब देखिए यहाँ पर ये जो लो पास फिल्टर है, इसका मतलब होता है कि पहले तो देखिए हम पास मतलब ये फिल्टर का फिर से एक अन्य प्रकार से इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए फिल्टर में हम लोग क्या कर रहे थे, फिल्टर के द्वारा हम लोग एसी को, एसी से डीसी को अलग कर रहे थे। तो एसी में क्या होता है, एसी में कुछ निश्चित फ्रिक्वेंसी होती है, इसकी कोई निश्चित वैल्यू होती है, लेकिन डीसी में क्या होता है, डीसी में फ्रिक्वेंसी जीरो होती है ना। तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या कर रहे थे, फिल्टर कौन सा सर्किट है जो जीरो फ्रिक्वेंसी को एक निश्चित फ्रिक्वेंसी से अलग करता है ना। हम रेक्टिफायर में कौन से सर्किट फिल्टर का प्रयोग करते हैं, जो जीरो फ्रिक्वेंसी को जो है, जीरो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को एक निश्चित फ्रिक्वेंसी के सिग्नल से अलग करता है। और निश्चित फ्रिक्वेंसी यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में 50 हर्ट्ज के सिग्नल को, और फुल वेव रेक्टिफायर में 100 हर्ट्ज की जो पल्सेटिंग डीसी बनती है, इसको इसमें से ये जो जीरो फ्रिक्वेंसी की डीसी है, इसे अलग करने का काम कौन कर रहा है, फिल्टर सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिल्टर सर्किट को जो फ्रिक्वेंसी ये अलग करता है, कितनी फ्रिक्वेंसी को अलग कर सकता है, उसके आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसे, अब ये वाली परिभाषा आप लोगों को अगर समझ में आ गई हो, तो चलिए अब हम लोग जो है
अब इसे वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए लो पास फिल्टर क्या करता है कि लो पास फिल्टर को हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जैसे मान लीजिए जो एक निश्चित फ्रिक्वेंसी की रेंज है, मान लीजिए यहाँ हम कोई एक स्केल बनाएं, यदि इसकी जैसे हम यहाँ कोई स्केल बनाएं है ना, तो इस स्केल पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई फ्रिक्वेंसी है जैसे 1 हर्ट्स, 2 हर्ट्स, 3 हर्ट्स है ना, इस तरह से ये मान लीजिए 10 हर्ट्स तक की फ्रिक्वेंसी है ना। ठीक है, अब हम ऐसा सर्किट बनाते हैं कि वो जो 10 हर्ट्स तक की जो फ्रिक्वेंसियां हैं, इन 10 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसियों को तो रोक देता है, लेकिन 10 हर्ट्स से आगे की जो फ्रिक्वेंसी है, जैसे 11 हर्ट्स हो सकती है, 12 हर्ट्स हो सकती है ना, इससे लेकर के बाकी की जितनी भी उच्च फ्रिक्वेंसियां हैं है ना। जो देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं उल्टा बता गया आपको, देखिए क्या होता है लो पास फिल्टर में जो लो फ्रिक्वेंसियां हैं, यानी कि ये जो 11 हर्ट्ज है ना, 11 हर्ट्ज से ऊपर की जितनी भी फ्रिक्वेंसियां है ना, 10 हर्ट्ज के बाद की जितनी भी फ्रिक्वेंसियां है, उन सबको ये फिल्टर जो है रोक देता है ना। लेकिन इससे नीचे की जितनी भी फ्रिक्वेंसियां हैं, लो फ्रिक्वेंसियां जितनी भी है, इन्हें पास कर देता है। ऐसा फिल्टर सर्किट क्या कहलाएगा, लो पास फिल्टर। लो से मतलब है कम, लो मतलब कम फ्रिक्वेंसियां, तो जो सर्किट कम फ्रिक्वेंसियों को पास कर देता है और ज्यादा फ्रिक्वेंसियों को ब्लॉक कर देता है, वह सर्किट लो पास फिल्टर कहलाता है। तो चलिए इसे एक उदाहरण के तरीके से मैं समझाता हूँ आपको, और एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग इसे जो है ज्यादा अच्छे से समझ सकें। चलिए एक और एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर दे करके बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो हमने अभी रेक्टिफायर सर्किट बनाया था है ना, रेक्टिफायर सर्किट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेक्टिफायर सर्किट में जैसे मान लीजिए हमने जो रेक्टिफायर बनाया है, इस रेक्टिफायर में यदि मान लीजिए हम यहाँ पर एक इंडक्टर लगा दें सबसे पहले है ना, और इस इंडक्टर के बाद यदि यहाँ पर आप लोड लगाएं, ठीक है, तो ये इंडक्टर देखिए क्या करता है कि इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर डीसी के लिए इसमें प्रतिरोधक कितना होता है, जीरो है ना, और डीसी कितनी क्या होती है, डीसी यानी कि लो फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल, ऐसा सिग्नल जिसकी फ्रिक्वेंसी लो है। अब जीरो से लो तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, तो सबसे लो फ्रिक्वेंसी वाला जो सिग्नल है उसके लिए इसकी प्रतिबाधा कितनी है, जीरो है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी सिग्नल आएगा, जो भी सिग्नल आएगा मान लीजिए इसमें बहुत सारे ऐसे फ्रिक्वेंसियां हैं है ना, तो इसमें फ्रिक्वेंसियां हैं तो ये क्या करेगा, उस फ्रिक्वेंसी में से जो लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल है, केवल डीसी सिग्नल है, इसको तो पास कर देगा है ना। लेकिन जो यहाँ पर जो हाई फ्रिक्वेंसी आ रही थी, जो एसी आ रही थी, उस एसी को ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये इंडक्टर को हम लोग कह सकते हैं कि ये इंडक्टर एक तरह से किस रूप में काम कर रहा है, लो पास फिल्टर की तरह। ठीक है, तो इंडक्टर जो होते हैं, अगर हमें इंडक्टरों को श्रेणी में लगा दें तो यह इंडक्टर जो है वह लो पास फिल्टर की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लो पास फिल्टर का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो केवल एक निश्चित मान से कम मान की फ्रिक्वेंसी को ही पास करते हैं या आउटपुट सिग्नल आउटपुट सर्किट में जाने देते हैं, उन्हें हम लो पास फिल्टर सर्किट कहते हैं। चलिए अब अगला अगली टर्म देख लेते हैं, अगली परिभाषा देख लेते हैं। जो अगले प्रकार का जो फिल्टर होता है, अगले प्रकार का जो फिल्टर है, यहाँ पर इस फिल्टर को हम लोग कहते हैं हाई पास फिल्टर। देखिए लो का जस्ट अपोजिट होता है हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। ठीक है, हाई पास फिल्टर। ठीक है, देखिए हाई पास फिल्टर का मतलब क्या होता है कि ये एक निश्चित मान की फ्रिक्वेंसियों, जो लो फ्रिक्वेंसियां हैं, मान लीजिए 10 हर्ट्ज तक की जो फ्रिक्वेंसियां हैं, 10 हर्ट्ज से नीचे की जितनी भी फ्रिक्वेंसी है इनको ये ब्लॉक कर देगा, लेकिन 10 हर्ट्ज से उच्च मान की जो फ्रिक्वेंसी है, इस उच्च मान की फ्रिक्वेंसी चाहे वह 100 हर्ट्ज हो या वह 200 हर्ट्ज हो, कितना भी हो सकता है, तो उच्च मान की जितनी भी सारी फ्रिक्वेंसियां हैं, इन फ्रिक्वेंसियों को ये आउटपुट में जाने देता है
लेकिन जो लो फ्रिक्वेंसियां हैं, लो फ्रिक्वेंसियों को ये ब्लॉक कर देता है ना, जो उच्च फ्रिक्वेंसियां हैं इनको आउटपुट में जाने देता है। तो ऐसा सर्किट, इस तरह का सर्किट हाई पास फिल्टर सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम इसे भी क्लियर कर देते हैं, हाई पास फिल्टर भी आप लोग जो समझ चुके हैं। हाई पास फिल्टर के देखिए छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, तो मैं आपको उतना ही समझा रहा हूँ जितना आपके लिए आवश्यक है। ज्यादा इतना ज्यादा समझाने से कोई मतलब नहीं है कि जो अपच हो जाए, है ना, जो पास सिर के ऊपर से जाने लग जाए। ठीक है, तो आप जो है अभी बेसिक परिभाषा के तौर पर इसे समझ लीजिए, और इससे ज्यादा फिल्टर सर्किट में कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा फिल्टर सर्किट में कोई विशेष बातें हुई भी नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड परिभाषा जो, एक तो लो पास फिल्टर हो गया, हाई पास फिल्टर हो गया, इसके अलावा दो अन्य प्रकार के फिल्टर भी होते हैं। एक तो है बेंड पास फिल्टर, सी एक अन्य प्रकार का फिल्टर होता है बेंड पास फिल्टर, बेंड पास फिल्टर। देखिए बेंड पास फिल्टर क्या करता है कि एक निश्चित फ्रीक्वेंसी, एक निश्चित बेंड, अभी हमने देखा था कि ये जो लो पास फिल्टर था वो निम्न फ्रीक्वेंसियों को पास कर दे रहा था, उसके बाद हमने देखा था कि जो उच्च हाई पास फिल्टर था वो हाई फ्रीक्वेंसियों को पास कर दे रहा था। लेकिन यदि हम एक अन्य प्रकार का और इस तरह का फिल्टर सर्किट बनाएं कि जो इन दोनों की बीच की जो रेंज है, एक रेंज में फ्रीक्वेंसियों को जाने दे, है ना, मान लीजिए ये जो रेंज है ये 10 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज है ना, या ऑडियो फ्रिक्वेंसी की यदि हम लोग बात करें, यदि ऑडियो फ्रिक्वेंसी की हम लोग बात करें, तो मान लीजिए हम लोग एक ऐसा फिल्टर बनाते हैं, है ना, जो 20 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 2 किलो हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसियों को जाने देता है ना। एक ऐसा सर्किट हमने बनाया है कि जो केवल 2 किलो हर्ट्ज, ये जो रेंज देख रहे हैं आप, ये वाली रेंज, ये 2 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और ये 20 किलो हर्ट्ज है। तो हमने एक ऐसा सर्किट बनाया कि जो 2 किलो हर्ट्ज से जितने भी नीचे की फ्रीक्वेंसियां होगी उनको ब्लॉक कर देगा, उन्हें आउटपुट में आने ही नहीं देगा। इसी तरह से ये जो सर्किट है इसकी यह विशेषता है कि ये 20 किलो हर्ट्ज के बाद की जितनी भी फ्रिक्वेंसियां होंगी जो ऑडियो रेंज से बाहर होती है, हम इन्हें सुन नहीं सकते, उनको ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह की फ्रिक्वेंसी को हम लोग, इस तरह का फिल्टर जो एक बेंड, ये जो रेंज होती है ना, रेंज को हम लोग जनरली एक बेंड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बेंड को तो पास कर देता है, आउटपुट में जाने देता है, इस बेंड को पास कर देता है, आउटपुट में जाने देता है, तो इस तरह के फिल्टर को हम लोग बेंड पास फिल्टर कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए अब देखते हैं अब नेक्स्ट परिभाषा क्या आ रही है। अब नेक्स्ट परिभाषा देखिए मैं बताता हूँ आपको, बस इसे क्लियर कर लूँ, आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बना करके रखें। चलिए ठीक है, ये हमारा पेज हो गया क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला फिल्टर जो है बेंड स्टॉप फिल्टर, बेंड स्टॉप फिल्टर। ठीक है, देखिए बेंड स्टॉप फिल्टर क्या करता है, बेंड स्टॉप फिल्टर बेंड को मतलब एक, जैसे मान लीजिए अब हम, यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई फ्रिक्वेंसी रेंज है, ये 10 हर्ट्ज है ना, 10 हर्ट्ज और 100 हर्ट्ज, इसके बीच की फ्रिक्वेंसी को हम लोग यहाँ स्टॉप करना चाहते हैं, है ना, मतलब कि जो आउटपुट सिग्नल होगा उसमें 10 हर्ट्ज से नीचे की जितनी भी फ्रिक्वेंसी है वह आपको प्राप्त हो जाएंगी, और जो 100 हर्ट्ज से ऊपर की जितनी भी फ्रिक्वेंसियां हैं यह भी आपको आउटपुट में प्राप्त होगी, लेकिन इसके बीच की जितनी भी फ्रिक्वेंसियां हैं, ये सारी जो फ्रिक्वेंसियां हैं ये आउटपुट में आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह का जो सर्किट है, देखिए एक बेंड को स्टॉप कर दिया है इसने, एक बेंड पे ये काम नहीं कर रहा है, इतना जो पूरा फ्रिक्वेंसी बेंड है ये फ्रिक्वेंसी बेंड पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है, आउटपुट में नहीं मिलता। तो इस तरह का जो सर्किट होता है इसे हम बेंड स्टॉप फिल्टर कहते हैं। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि जितनी भी फ्रिक्वेंसियां हैं केवल 0 को पास करना है और बाकी की सारी फ्रिक्वेंसियों को ब्लॉक करना है, तो अब हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर
फ्रिक्वेंसी तक की बात करने लगे, ऐसा क्यों आखिर? देखिए क्या होता है कि जो फिल्टर सर्किट है वह केवल रेक्टिफायर में जरूरत नहीं पड़ती। जो फिल्टर होते हैं ना, फिल्टर, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि फिल्टर जो है, अभी तक तो हम केवल डीसी को स्टॉक डीसी को पास करना चाह रहे थे, अब अचानक हम इसमें ये सुधार कहाँ से आ गया, हमारा हृदय परिवर्तन क्यों हो गया कि हम बाकी फ्रिक्वेंसियों को पास कर रहे हैं, है ना? तो देखिए क्या होता है कि जब आगे चल करके अब जो आप एम्पलीफायर वगैरह पढ़ने वाले हैं, तो एम्पलीफायर सर्किट जब हम बनाएंगे तो वो ऑडियो सिग्नल्स पर बनाते हैं, है ना? ऑडियो सिग्नल्स में आपको पता है कि जो म्यूजिक के कंपोनेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बांसुरी की आवाज निकालना है तो उसका फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट अलग होगा, या आपको जैसे मान लीजिए पियानो की आवाज निकालना है तो उसके फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट अलग होता है। तो इस तरह से हम जो अलग अलग फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है उनको रोकना है या उन्हें आगे बढ़ाना है, उसके लिए भी तो हमें फिल्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर अब जब जो कि स्टडी कर ही रहे हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो फिल्टर हैं वह कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं ये बैंड स्टॉप फिल्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सिंपल परिभाषाएं थी, ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन परिभाषाएं नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको जो है समझ सकते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है केवल फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड। अब देखिए परिपथ डिजाइन के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं, तो परिपथ डिजाइन से मतलब क्या होता है? परिपथ डिजाइन से मतलब होता है कि जो कंपोनेंट हैं वो कंपोनेंट आपने किस शेप में लगाए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको एक एक उदाहरण दे करके बताता चलता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक हमने यहाँ पर इंडक्टर लगाया और यहाँ पर हमने ये कैपेसिटर लगाया, ठीक है, तो इस तरह का जो फिल्टर था इसको इनपुट के आधार पर क्या नाम देते हैं? इनपुट के आधार पर इसे क्या नाम देते हैं? इनपुट सर्किट के आधार पर जो भी देते हैं आप इसे टाइप करके बता दीजिए कमेंट्स में, जब तक मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका जो शेप है, शेप के आधार पर इसको क्या नाम देते हैं। तो देखिए ये आकृति जो है आपको, ये आकृति अंग्रेजी के किसी कैपिटल लेटर, किसी लेटर के समान दिख रही है? जैसे देखिए अगर मान लो ये जो अक्षर है, इस अक्षर को हम यहाँ पर, इस अक्षर को यदि हम यहाँ पर जो है यदि फोल्ड करें, तो ये अक्षर आपको एक उल्टा एल के समान दिख रहा होगा। यदि ये वाली भुजा मिटा करके यदि इसे हम नीचे की तरफ ले आए, इसे हम रोटेट कर दें, इसे हम रोटेट कर दें, तो ये सर्किट किस तरह से दिखेगा आपको? एक एल के समान। चलिए इसे दूसरी तरह से मैं डिजाइन करके बताता हूँ ताकि आपको जो है स्पष्ट हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह से बच्चों को समझ में आएगा, तो मैं उस तरह से आपको थोड़ा समझ के, मतलब उस तरह से आपको डिजाइन करके बना देता हूँ ताकि आपको समझने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया, है ना, ये कैपेसिटर लगा दिया, और इस कैपेसिटर के बाद यहाँ पर मान लीजिए हमने एक इंडक्टर लगाया, तो ये भी तो एक फिल्टर सर्किट है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये ए पॉइंट से उठा करके और इस तरह से इसे घुमा देते हैं, है ना, जैसे घुमा देते हैं, चलिए घुमा देते हैं, घुमाने के बाद देखते हैं कि क्या हो रहा है ना। अभी से हम घुमा देते हैं, आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर घुमा करके इसको बता देता हूँ। तो ये इंडक्टर क्या होगा, इंडक्टर यहाँ आ जाएगा और कैपेसिटर यहाँ आ जाएगा। अब देखिए अंग्रेजी के किस अक्षर के समान दिख रहा है, एल के समान। तो इस तरह का जो फिल्टर होता है इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम एल शेप्ड फिल्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को, ये इसे आप लोग जो है याद रखिएगा, इसे हम लोग एल शेप्ड फिल्टर कहते हैं। ठीक है, परिपथ डिजाइन के आधार पर। फिर उसके बाद देखिए अगला, यहाँ पर पहले इसका नाम मैं लिख दूँ आपको, ये होता है एल शेप्ड। ठीक है, एल फिल्टर या एल शेप्ड फिल्टर, एल आकार का फिल्टर, जो भी बुक में दिया होगा वह आप लोग लिख लेना, मैं आपका केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। फिर इसके बाद देखिए एक होता है पाई फिल्टर। पाई फिल्टर मैं आपको समझा चुका हूँ, तो पाई फिल्टर में देखिए दोबारा बार बार रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि बार बार वही बात रिपीट करने से जो है बच्चे लोग वीडियो छोड़कर भाग जाते हैं, ठीक है, लेक्चर में बीच में ही सो जाते हैं, इसीलिए बार बार वही बातों को हम लोग रिकैप नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पाई फिल्टर के बाद टी आकार का फिल्टर भी होता है, टी शेप फिल्टर होता है टी आकार का। तो देखिए टी आकार के फिल्टर में क्या होता है कि जो परिपथ के कंपोनेंट्स हैं, है ना, परिपथ के जो विभिन्न कंपोनेंट्स हैं वह एक टी के आकार में लगे होते हैं। तो यहाँ देखिए हो सकता है इंडक्टर की जगह कैपेसिटर भी हम लोग लगा सकते थे, तब भी ये टी आकार का ही परिपथ कहलाएगा। ठीक है, टी आकार का परिपथ देखिए मैं बताता हूँ आपको,
यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, तब भी ये टी आकार का फिल्टर ही कहलाएगा। और ये जो नीचे वाला जो कैपेसिटर है, इस नीचे वाले कैपेसिटर की जगह पर हम यहाँ पर एक इंडक्टर भी लगा सकते थे, ठीक है। तो इस तरह का सर्किट भी जो है वह टी आकार का फिल्टर कहलाता है, ठीक है। तो ये तीन बातें आप लोग याद रखें। इसके अलावा देखिए, यदि मान लीजिए ये जो सेक्शंस हैं, ये जो टी और पाई है, यदि ये बार बार यदि हम लोग रिपीट करते हैं, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यदि जैसे उच्च और अधिक फिल्टर करना है यदि आपको किसी फ्रिक्वेंसी को, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो टी आकार के जो फिल्टर है ना, जैसे टी आकार के या पाई फिल्टर को बार बार रिपीट करें। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये एक हमारा ये लगा हुआ है, ये हमारा हो गया मान लीजिए टी फिल्टर। टी फिल्टर के बाद मान लीजिए आपने यहाँ फिर एक कैपेसिटर लगा दिया, तो ये हो गया पाई फिल्टर। फिर इसके बाद एक ये लगा दिया आपने एल टाइप का फिल्टर। तो इसमें देखिए बहुत सारे फिल्टर एक साथ लगे हुए हैं, है ना। तो इस तरह का फिल्टर जो ये क्या कहलाता है, ये बहुखंडी, जो किताबी भाषा है, मल्टी सेक्शनल या बहुखंडी, ठीक है। तो ये सर्किट का आप लोग ध्यान रखिएगा, फिल्टर सर्किट, ठीक है। ये हो गया बहु सेक्शन, बहुखंडी, बहु खंडीय आकार का, ठीक है। तो ये जो थे, ये फिल्टर सर्किट जो है, आप लोगों को ये सारे प्रकार के जो हैं समझ में आ गए होंगे। आप लोग ये जो डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोगों को ये नोट्स तैयार हो जाएं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो इंडक्टर, जो फिल्टर सर्किट हैं, फिल्टर सर्किट में इतना ही समझाना मेरे हिसाब से आवश्यक रहेगा, ठीक है। ये पर्याप्त जो है, मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में समझा चुका हूँ, फिल्टर के बारे में। तो कल के देखिए, कल का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान से सुने जरा, थोड़ा एक आपके लिए अपडेट है, तो आप लोग अभी वीडियो छोड़ करके ना जाएं, ठीक है, थोड़ा सुने आप लोग। देखिए कल जो वीडियो लेक्चर होगा, कल के लेक्चर में मैं आपको कल का मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस रहेंगे, तो सारे बच्चे जो हैं वो अभी तक जितना भी पढ़ाया है वो रिवीजन करके आए, ठीक है। ये आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। अब चूंकि ये जो मंथ है ये एंड पर है, तो ये मान करके चलिए आप एक तरह से आपका मंथली टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप कल जो है, कल इसकी तैयारी करके आएंगे, कल मैं आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछूंगा, बहुविकल्पी प्रश्न पूछूंगा, जो एक पार्ट अभी तक हमने ये अभी इस लॉकडाउन में अभी कंप्लीट किया है, तो इसको आप लोग जो है पढ़ करके आइएगा, सेमीकंडक्टर वाला, जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार के रेक्टिफायर के बारे में एमसीक्यू होंगे, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो रेक्टिफायर हैं, उसके बाद जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, जैसे पीएन टाइप, पीएन जंक्शन, है ना। इसके अलावा डायोड, विभिन्न प्रकार के चार प्रकार के हमने डायोड पढ़े, तो वो चार प्रकार के डायोड्स के बारे में आप लोग पढ़ करके आइएगा। इसके बाद जो परमाणु संरचना थी, परमाणु संरचना के बारे में पढ़ लीजिएगा, फिर आप लोग रिविजन करेंगे। इसके अलावा आप लोग रिविजन करेंगे जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप लोग रिकैप करके आइएगा। देखिए मेरा पूरा ध्यान बना हुआ है, जितने बड़े बच्चे जो हैं रोज पढ़ रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं, जो केवल टाइम पास कर रहे हैं, उस सब में बराबर ध्यान दे रहा हूँ। और जब जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, तो उसके बाद जो है, जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल इसी समय पर 9 PM पर दोबारा से मुलाकात होगी।